हमारे घर का जो माहौल है वो अपन से परिपूर्ण है। मेरी माँ भी अपन बहुत अच्छा डालती हैं। 70 ईयर्स में भी वो पुरस्कार जीत रही हैं। तो अच्छा वहाँ पर भी मैंने कुछ विभाग की चौकियाँ बनाई, जो राजस्थान तक गई थी, लखनऊ में अच्छा जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर कला का विकास भी उस टाइम में हुआ। तभी अपनों में हम देखते हैं, या यहाँ की लोक कलाओं में देखते हैं कि इन सब सभ्यताओं का समावेश है, कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। ठीक है। हाँ और अब तो सर पेंट के अपण हैं, पेंट वो वाले जो पेंट के पेंट। अपण हैं, लेकिन वो हर घर में दे दे रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा संस्कृति का विकास हो गया है। और ये मोबाइल की, आज भौतिकता के युग में मोबाइल के थ्रू हम लोग काफ़ी सीख रहे हैं। बिस्वार क्या चीज़ है? बिस्वार एक घोल है चावल के आटे का, और हर चौकी में लक्ष्मी के पौ बनते हैं। केवल उत्तराखंड में जब लड़की या लड़के को हल्दी लगती है, उस चौकी में लक्ष्मी के पौ नहीं बनते नहीं हैं। होते। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर मिलने जा रहे हैं श्रीमती भारती तिवारी जी से, जो कि मूल रूप से नैनीताल की हैं और अभी हल्द्वानी में निवास करती हैं। और इनका जो आपका रुचि क्षेत्र है वो आपका ऐपण में है। इन्होंने ऐपण में बहुत सारी जो पुरस्कार आपके जीते हैं वो भी जीते हुए हैं, प्रतियोगिताएं आपकी जीती हुई हैं। और ये अभी लोगों को जो है उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में और ऐपण के बारे में सिखाती रहती हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, दर्शकों को सादर अभिनंदन। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम थोड़ा सा जैसे ऐपण के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि जो ऐपण के प्रति आपका जो रुझान आया या जो रुचि आई वो कहाँ से शुरुआत आपकी हुई है ऐपण में? सर मैं ज़रूर बताऊंगी, मेरी पैदाइश नैनीताल की है और मेरी जो स्कूलिंग है वो भी नैनीताल की है। तो सर हमारे घर का जो माहौल है वो अपन से परिपूर्ण है। मेरी माँ भी अपन बहुत अच्छा डालती हैं। 70 ईयर्स में भी वो पुरस्कार जीत रही हैं। अच्छा और मेरे अभी घर, भी जीत रही हाँ हैं? जी जीत रही अच्छा। हैं। और मेरे घर, मेरी जो दादी हैं, बेरीनाग की मैं हूँ, तो मेरी दादी ने मुझे इससे प्रेरित करा, इस ओके लोक ठीक कला से। है। तो वो डालती थी अपना, तो मैं भी देखती थी। तो काफ़ी बड़ा घर है, तो वहाँ से मुझे जागरूकता हुई, ओके लेकिन ठीक मौका नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि है। स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद मुझे सर्विस करना पड़े। तो मैं एम एल सा बाल विद्या मंदिर में मैं वार्डन के रूप में रही। अच्छा तो वहाँ पर 2000 सन में, लगभग मुझे याद है 2000 सन में एक बुक आई थी शशि पंत जी के, अच्छा उससे ठीक है। तो उसमें ऐपण के बारे में पूरा इतिहास और वहाँ यहाँ की लोककृतियाँ सब डिटेल थे वहाँ पर। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने सोचा कि इससे पढ़ने के अलावा मैं इसको प्रैक्टिकल रूप में प्रैक्टिकल। लेती हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने कुछ विभाग की चौकियाँ बनाई, जो राजस्थान तक गई थी, लखनऊ में अच्छा जाती थी, ठीक है। और काफ़ी मुझे इसके प्रति रुझान मिला। फिर उसके बाद में हल्द्वानी में मेरी शादी हुई, उसके बाद भी मैंने प्रतियोगिता जीती थी एक दो, और उसके बाद फिर परिवार में थोड़ी ठीक है। काम की वजह से मैं इस काम को आगे ना कर पाई, लेकिन घर घर में मैं अपना काम चलाती अभी थी, भी चला रहे हैं? चलाती हूँ अभी अभी। चौकियाँ, विवाह चौकियाँ हैं ठीक है। और दिए हैं, मेरी शॉप है, वहाँ मैं भेजती हूँ, और ठीक बड़ी है। बड़ी चौकियाँ भी मैं बनाती हूँ, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से मैं इसको थोड़ा कम कर कम पाई हूँ। कर रही। ठीक है। तो मैम इसी में थोड़ा सा हम आगे और भी जैसे ना, अगर आप जैसे ऐपण के इतिहास के बारे में करें थोड़ा सा, आप उसमें हल्का सा टच करेंगी क्योंकि लोग इतिहास से कम जानना चाहते हैं इतिहास को, लेकिन हम प्रैक्टिकल बाद में थोड़ा सा जानेंगे, हल्का सा इतिहास के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ हाँ ज़रूर से, क्यों नहीं। हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड तो आपको पता ही है कि हरियाली का क्षेत्र है, यहाँ बिल्कुल। नदियों का उद्गम यहीं से है। हाँ तो यहाँ पर ये ऋषि भूमि की तपोभूमि भी मानी गई है, तभी देवभूमि कहा जाता है इसको। बिल्कुल। तो 14वीं शताब्दी में, जितना मैंने पढ़ा है मैं उतना बता बिल्कुल रही जी हूँ, बिल्कुल। 14वीं शताब्दी में यहाँ ऋषि मुनि आए, और अपने तप और ज्ञान से इन्होंने कई सिद्धपीठ स्थापित किए, जो अब हम हमारी वो तीर्थ कहे जाते हैं। काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि दुर्गम स्थान था, तो दुर्गम स्थान के साथ साथ उन्होंने जैसे भी इस दिशा पे अग्रसर हुए वो, तो काफ़ी तप करके इस हमारे देवभूमि को बिल्कुल। एक एक बहुत एक देवभूमि का नाम दिया। और अपनों का इतिहास जहाँ तक है, 14वीं शताब्दी में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, तो हमारे भारत में कुछ टुकड़ियाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ की जो हिंदू सेनाएँ थी वो टुकड़ों में विभक्त होके उत्तराखंड की ओर वो
अग्रसर हुई। अच्छा, क्योंकि वो शांत की खोज में आना चाहते थे। और शांत की खोज में वो आए और यहीं स्थायी रूप से रह गए। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर कला का विकास भी उस टाइम में हुआ। तभी एपड़ों में हम देखते हैं या यहाँ की लोक कलाओं में देखते हैं कि इन सब सभ्यताओं का समावेश है। इन सब सभ्यताओं के समावेश से अधिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की जो कलाकृति है वो हमारे एपड़ों में संस्कृति में मिलती है। और अब जैसे जैसे मानव का विकास होता रहता है और वो अपनी परिच्छाप छोड़ता है तो वो इतिहास बनता है। तो उसी इतिहास को हम पढ़ते हैं तो वो हमारी बिल्कुल वही उसी अपन की कला हमारी आगे को बढ़ी। लेकिन उत्तराखंड में ये तो इतिहास है, लेकिन उत्तराखंड में कई पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली है यहाँ पर। देखिए ये तो इतिहास है। जैसे हम मेरे मायके में लीजिए कि हमारी दादी की हमारी परदादी ने दिया, फिर हमारी दादी ने वही संस्कृति को आगे चलाया, फिर हमारी माता ने वही संस्कृति को आगे चलाया, फिर हम भी आगे चला रहे हैं। तो यही मैं सोच रही हूँ, यही इतिहास हो गया। ऐसे ही बढ़ता है ना, सही कह रही हैं। तो इतना मुझे पता है। चलिए बोलो, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे ना, जो आपकी परदादी और दादी ने आपको क्या सिखाया इसके बारे में। अच्छा, मुझे ये सिखाया कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। ठीक है। और अब तो सर पेंट के अपण है, पेंट के अपण है, लेकिन वो हर घर में दे रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा संस्कृति का विकास हो गया है। और मोबाइल की आज भौतिकता के युग में मोबाइल के थ्रू हम लोग काफ़ी सीख रहे हैं। जो चीज़ नहीं सीखी जाती है वो सब बच्चे बच्चे घर में सीख ले रहे हैं। ये तो हुआ पेंट का माध्यम के हिसाब से हम अपण सीख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी संस्कृति में बिस्वार के जो अपण हैं वो अभी भी कम जान रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बिस्वार का जो है वो थोड़ा टफ है। बिस्वार क्या चीज है? बिस्वार एक घोल है चावल के आटे का। ओके। जो आपका जो लिक्विड भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। पहले हम लोग उसको भिगाते हैं। ठीक है। चावल को भिगाते हैं। अब नैनीताल जैसे पहाड़ में तो रात को भिगा देते थे, सुबह पीसते थे, लेकिन हल्द्वानी में तो या तराई क्षेत्र में तो 2-3 घंटे में भीग जाता है। तो उसको बारीक सिलबट्टे में पीस लेते हैं। अब सिलबट्टा आजकल मेहनत कौन करे, तो मिक्सी में पीस लेते हैं। ठीक है। और वो घोल जो है कि हमारी 3 मध्य जो अंगुलियां हैं उसमें आ जाए। अच्छा, ठीक है। इनकी 3 मध्य जो अंगुलियां हैं हमारी, उनके पोरों से हम अपन देते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये तो उसका वाइट पेंट हो गया, वाइट है। लेकिन जो गेरू है पहले हम लिपाई करेंगे। लाल गेरू मिल ही जाता है आजकल, तो उसको पहले आधे घंटे पहले अच्छी ढंग से लिप लेते हैं। उसमें आपके कण नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके ढंग से जहाँ पर हम दे रहे हैं अपन, वहाँ पर हम लिप लेंगे और उसके बाद हम अपन देंगे। ठीक है। अपन में मेन यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि दुहेरा दिया जाता है। लोग कभी कभी क्या देखती हूँ मैं कि सिंगल लाइन दे देंगे या कहीं पर लाइन होगी ही नहीं, बॉर्डर लाइन। ठीक है। तो अपन का विश्वास के अपन में मैं कह रही हूँ, बिस्वार के अपन में लाइन का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी दुहेरी। कभी सिंगल लाइन नहीं देनी चाहिए। ठीक है। दुहेरी बाढ़ कहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। उसमें हम इंगित करेंगे। अच्छा, ठीक है। और अपन के बारे में तो, और अलग अलग उत्सवों में अलग अलग दी जाती है। अच्छा। जैसे आपके चौकियों के बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे मैंने रिसर्च करी, अलग अलग चौकियाँ उसमें बाद में पड़ी है। सरस्वती चौकी अलग है, लक्ष्मी चौकी अलग है, ये सब। और जो दीवार पे हम ऐसे 3-3 अंगुलियां, ये वसुधारे। सबसे पहले मैं वसुधारे के बारे में जानकारी दूंगी। वसुधारे हमारे संस्कृति के अपन की में मेन छाप छोड़ते हैं। ठीक है। वसुधारे के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ये विषम संख्या के होते हैं। हमेशा विषम संख्या में होते हैं, ऑड नंबर्स में। हाँ, जैसे ऑड नंबर है, जैसे 5, 7, 9। और इन वसुधारे में थोड़ा गैप होना बहुत जरूरी होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस जरूरी होती है। और इनके साथ जब हम डेली के अपण देते हैं तो उसमें संख्य अपण जरूर चलते हैं। अच्छा। और जो घर के बाहर से होते हुए अंदर की ओर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और पौ हमारे यहाँ बहुत, जो लक्ष्मी के पौ बोलते हैं, पौ मतलब पाँव है। हाँ, पौ। ठीक है। और उसको इंगित समझ में नहीं आता, और उसको इंगित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इंगित करना मतलब? इंगित करना मतलब उसको बनाना। अच्छा, बना, ठीक है। उसको इंगित करना बहुत जरूरी है। और हर चौकी में लक्ष्मी के पौ बनते हैं। केवल उत्तराखंड में जब लड़की या लड़के को हल्दी लगती है उस चौकी में लक्ष्मी के पौ नहीं बनते हैं। बाकी सब चौकी में लक्ष्मी के पौ होते हैं। अच्छा। लक्ष्मी यानी हमारे घर में
लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और सौभाग्य का प्रतीक बने रहे, तो हमारे ये अर्पण है। वो लक्ष्मी चौकी हो गई, ठीक है। और वसुधारे के बारे में तो मैंने बताया दिया है। और सरस्वती चौकी, सरस्वती चौकी जो है बहुत मेन चौकी है, ये नॉर्मली भी बनाई जाती है, जैसे घरों में क्या डालें कहते हैं तो हम सरस्वती चौकी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये स्टार की जैसे दिखती है, और इसके किनारे बाढ़ जरूर देनी चाहिए। अच्छा, डबल बाढ़ जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और सरस्वती चौकी सामान्यतः चौके में डाली जाती है, ठीक है। रोजमर्रा की पूजा में भी ये सरस्वती अच्छा, चौकी डाली जा सकती है। अब थोड़ा सा इसी में और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये तो आपने विश्वार के बारे में बताया, लेकिन आजकल का हम जो ट्रेंड देखें, या तो हम दीपावली के टाइम पे अपनी दिल्ली में लगाते हैं, ठीक है, दूसरा करवा चौथ में कहें जो थाली होती है उसमें आजकल पेंट होता है, दिया है, लोटा है, उन सब में आपका जो है वो है, तो वो किस तरीके का आपका, उसका कुछ अलग टाइप है जो आपका अर्पण का, या कुछ सेम ही बनते हैं? नहीं, वो तो आजकल देखिए बहुत अच्छे अच्छे बाजार में हमको मिल जा रही है रेडीमेड थालियाँ, लोटे और आपकी दिल्ली के अर्पण के स्टीकर मिल जा रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, अच्छी बात है क्योंकि हमारी संस्कृति इसके द्वारा आगे बढ़ रही है, क्योंकि विश्वार के अर्पण तो एक कुछ समय तक टिकाऊ हैं, लेकिन पेंट के अर्पण जो हैं वो सालों साल टिकाऊ रहते हैं। और जिनके पास टाइम नहीं है वो एक बार दिल्ली में दे देंगे तो मेरे ख्याल से 3-4 साल आराम से चल जाते हैं। तो लोगों के पास समय भी कम है और दिखने भी बड़े सुंदर दिखते हैं, पानी पड़ जाए बच्चे घर वाले जो बच्चों पानी वानी डाल देते हैं तो उसमें भी वो फिक्स ही रहते हैं। तो आजकल मतलब पेंट के अर्पण में मैं काफ़ी अच्छा मानती हूँ, मैं खुद भी देती हूँ, ठीक है, मेरे दोनों में रुझान है। ओके। और बाजार में बड़े अच्छे अच्छे अर्पण मिल रहे हैं, ठीक है। और लोग इसके जो ये हमारी धरोहर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग हल्द्वानी के ही हैं जैसे कविता लटवाल जी हैं, और अल्मोड़ा की है कुंजिका वर्मा, अच्छा, ठीक है। और आपकी जो अभी यहाँ पर जो अपन गर्ल, हाँ, ठीक है, मीनाक्षी खाती जी हैं, तो ये हमारी लोक संस्कृति और अपन संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूँगी इनकी, और आगे ये बढ़ें और विश्व स्तर पर जाएँ। बहुत बढ़िया। तो मैम थोड़ा सा इसमें हम और आगे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया ना लगभग 2000-2001 के आसपास जो है आपने अपनी अर्पण वाली जो है राजस्थान भेजी है या और अलग अलग गवर्नमेंट, उस समय क्या क्या चीज आपने भेजी थी वहाँ पे, ये विश्वार की बने कि पेंट के बने? उसमें तो विश्वार के तो संभव नहीं हो पाता, ठीक है, उसमें मैंने पेंट के दिए थे, पेंट के, हाँ, पेंट के अपन दिए थे जिसमें दुल्हर की चौकी, अच्छा, और जो शादी के टाइम पे, हाँ, दुल्हर की चौकी, और ये जो सूफे में आपके जो हमारे दिवाली के 15 दिन बाद जो दीपावली बूढ़ी दिवाली आती है उसमें सूफा लिखते हैं हम, घुइया, तो उसको मैंने काफी बना के सेल किया है। अच्छा, उनको सेल किया है। तो आपने गवर्नमेंट को सेल किया कि लोगों को? नहीं, लोगों को सेल किया, क्योंकि गवर्नमेंट तक मैं पहुंच नहीं पाई क्योंकि कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम मेरी रही। तो अब लोगों तक आप कैसे पहुंचते थे इसमें? आप एक तो बता दीजिए आपकी शॉप यहाँ पे है। हाँ, शॉप है नैनीताल में, लोग कहते थे कि अच्छे अपन देती हैं, आप इसे कॉन्टेक्ट करो, ठीक है, तो मुझे ऑर्डर देते थे, मुझे याद था कि 250 रुपये मुझे मिल जाते थे। अच्छा, 2000 सन में, हाँ, दो चौकी के मुझे 250 रुपये मिलते थे, काफी था मेरे लिए, ठीक है, और सूफा लिखी के मुझे 100 रुपीज पेमेंट हो जाता था उस टाइम का। हाँ, ठीक है, मतलब अब तो काफी साल पहले की बात। आजकल तो देखिए हम लोग ब्रश से बनाते थे, स्कूल घर सभी देखते थे, और आजकल तो निप के थ्रू बड़ा अच्छी पेंटिंग आ रही है, बहुत से लोग ब्रश से बना रहे जो परफेक्ट हैं, लेकिन आजकल एक निप पेंट में निप भी चल रही है, उससे बहुत अच्छा बड़ी अच्छा, काम हो जा रहा है। अच्छा, निप पेंटिंग मतलब मैं समझा, क्योंकि मेरी निप के थ्रू जैसे ना, बनाते ना वो ब्रश से ही बनाती है। हाँ, लेकिन निप आर्ट भी निप अच्छा, के थ्रू भी अपन आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने भी बना रखा है, ठीक है, तो काफी इजी लगा मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरा रुझान क्योंकि एज के वाइज मुझे थोड़ा सा विश्वार पे ज्यादा मतलब फोकस करूंगी। तो और जो इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको ना अगर हम अब बिजनेस के थ्रू हम अगर जानना चाहें, हाँ, तो लोगों में कितना रुझान है, कितनी सेल्स वगैरह जो है क्या रहता है इसमें, क्या बिजनेस के तौर पे मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई इसको अपने बिजनेस के तौर पे अगर खोले इसको, मेरे ख्याल से समूह अगर बना लें तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे रोजगार मिलेगा और अपनी जो हमारी जो कला संस्कृति है लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का वो बहुत फायदा रहेगा क्योंकि अर्पण का दिन पर दिन बहुत ज़्यादा हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यकीन मानिए साड़ियाँ भी इससे पेंट हो जा रही हैं, मैंने अच्छा। खुद एक साड़ी देखी है वो काफ़ी कॉस्टली थी, तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने नॉर्मल साड़ी ली होगी आपकी
500 की, लेकिन जो उसमें हमारे एप्पन दिए हैं उसकी कॉस्ट 3000 जो डिजाइन उसमें बनाया है वो एप्पन वाला डिजाइन 3000 वो तब भी है, ठीक है। तो मैंने कहा ये कहाँ जाएंगे, कहने अमेरिका ही बनाया था। हाँ पेंट पूरा एप्पन। अच्छा। तो उन्होंने कहा न्यूजीलैंड जाएंगी और ये अमेरिका जा रही है। अच्छा। तो आम जनता मुझे लग रहा नहीं खरीद पाएगी क्योंकि 3000 हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और थोड़ा सा क्या है कि जो कला प्रेमी है तो वो इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि साड़ी जो पेंट कर रहे हैं तो हम लोग जो अपन देवी की कलाकृति बना रहे हैं उसमें उसमें कलाकृति होती है तो कभी हम लोगों को जैसे दिशा में जाना पड़ता है तो हम सोचते हैं जैसे आजकल पिछौड़े में पटवे बन जा रहे हैं तो हम लोग शौच आदि के लिए जा रहे हैं तो हमारी जो संस्कृति है वहाँ पर थोड़ा इसका उल्लंघन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है तो यहाँ पर रोकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा देखिए हम जब अर्पण बनाते हैं तो हम आह्वान करते हैं देवियों का देवों का, फिर हम उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा उल्लंघन करते हुए देखें। थोड़ा सा ध्यान लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा कला प्रेमी है उनको ध्यान रखना क्योंकि हम इसको देव का स्थान मान रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अर्पण यानी देव को हम घर बुला रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आसन जमाते हैं देवों को बुलाते हैं तो उसके लिए हम ये पीठ बनाते हैं और पीठ क्या बनेगी पेंट से ही बनेगी या बिस्वार से बनेगी। अब पेंट के अपन का थोड़ा सा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आनंद लग रहा है, ठीक है थोड़ा सा वहाँ पर। अब जैसे आपने इसमें बताया ना इसकी मार्केट इसका बहुत बड़ा, लोग अमेरिका तक आप साड़ी में कह रहे हैं ये जा। और मैंने ये भी देखा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर देहरादून जाए तो उसमें उनने जो आपके दुकान है उनके ऊपर जो उसका नेम प्लेट बनाया उसमें भी आपका अर्पण है। हाँ। टैंकियां हैं टैंकियों को अर्पण से कर रखा है। नैनीताल में जो नेम प्लेट्स होती है वो नेम प्लेट्स आपने मैंने भी बना रखी सर, मैंने भी बना ली है। अच्छा वो आपने सब उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बताना चाहिए गवर्नमेंट ने कैसे इसकी आपने क्या करा क्या क्या चीजें यहाँ पे करी थी। मुझे लग रहा है अभी नाम तो मुझे डीएम साहब का नहीं पता, धीरज गरबियाल सर मुझे थे लग रहा है, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया हमारे नैनीताल जनपद के धीरज गरबियाल सर ने दिया कि वहाँ पर हर घर में इस बार नेम प्लेट है और वहाँ पर जिन घर में कन्या है उनका नाम प्राथमिकता दी गई है। हाँ, उसमें लड़कियों के नाम पे तो नैनीताल में मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होता है कि लड़कियों का देखिए जिन लक्ष्मी है हमारे घर में लड़कियाँ उनका नाम सबसे पहले आ रहा है और हर घर में एक अपन की छाप छूट रही है चाहे वो दिल्ली में ना दें लेकिन फ्रंट में कोई भी मेहमान आते हैं तो एकदम से देखते हैं अरे वाह ये कौन सी कलाकृति है तो हम कहते हैं अपन है ये तुमने बनाया नहीं मैंने कहा हाँ हमने बना रखा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और नैनीताल में तो हर घर में ये आपको नेम प्लेट मिल जाएगी, हल्द्वानी में भी ये नेम प्लेट मिल जाएगी बिल्कुल। मैंने तो बना भी रखा है लेकिन थोड़ा आईज प्रॉब्लम की वजह से मैंने ही बनवाई, कविता लटवाल जी हैं तो उनसे मैंने बटवाई वो बनवाई करीब 600 जिसकी प्राइस है नेम प्लेट की। अच्छा ठीक है। तो काफी अच्छा लोग आ रहे हैं तो मतलब उत्तराखंड की पहचान हमारे उत्तरांचल की पहचान है। तो इसमें थोड़ा सा कोई आप अपना एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जरूर। कोई दो तीन एक्सपीरियंस दो तीन घटनाएं आपकी हुई कौन सा आपको लगा या कौन सा लोगों ने आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपको लगा हाँ जो मैंने अपन बनाया है वो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है? सर आप तो थोड़ा सा मेरा आईज प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा कम कर पा रही हूँ लेकिन स्टार्टिंग में 2005-2006 के बीच में मैंने काफ़ी अच्छे अपन बनाए बल्कि पड़ोस में भी मुझे बुलाया जाता था शुभकामों में। तो एक दिन एक लेडी आई मैं ऐसे बैठी थी वहाँ पर बाहर हमारा काफ़ी खुला हुआ घर है तो उन्होंने नेल पे से अपना मेरे पे अपन को खुरचा। अच्छा। तो मैंने कहा भाभी जी आप ये क्यों खुरच रही हैं, कह रहे कि मैं ये देख रही थी कि कहीं स्टिकर तो नहीं है। अच्छा तो चेक। हाँ नहीं मैंने कहा नहीं नहीं ये मैंने ही बनाए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस दिन मैंने सोचा कि काश मैं ज़्यादा कर पाती क्योंकि सर मुझे लगता है ना कि अकेले कुछ भी नहीं होता, थोड़ा प्रोत्साहन करने वाला जरूर चाहिए फीडबैक, जैसे घर के लोग थोड़ा प्रोत्साहन करें तो मुझे वो चीज़ कम मिली क्योंकि ठीक है हस्बैंड की दुकान है वो बिजी है और 2005 में उतना अपन का नहीं था बिल्कुल ये क्योंकि तो अभी ये अभी उस टाइम पहले है लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले का हाँ, उसी टाइम पे शुरुआत हुई है 2012 से मैं देख रही थी 2012-14 से ये इसने बहुत अच्छी पकड़ कर रखी है क्योंकि उस वक्त पेंट के अपन तो चलते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि फॉर्मेलिटी थी कि हमको दिवाली में देने हैं बस, लेकिन इसका एक हम रोजगार भी कर सकते हैं वो उतनी जागरूकता नहीं थी। मतलब जहाँ तक मैंने देखा क्योंकि मैं डेली इसको पढ़ती रहती हूँ
और ऐपड़ों के बारे में काफ़ी मुझे, मैं पढ़ती रहती हूँ, इतना तो नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन फिर भी जहाँ पर कुछ गलत लगता है तो मैं एकदम से पकड़ लेती हूँ। तो वहाँ पर एक मेरे संग ये हुआ, और दूसरा यहाँ पर एक मैंने ज्योति मात्र के पट्टे बनाए थे, वो मेरी काफ़ी अच्छा माना गया। मैं नैनीताल में ही थी तो मैंने चार्ट में ज्योति मात्र का पट्टा बनाया, तो मैंने उसको फिर एक दिन कहा कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो मैंने कूड़े में डाल दिया। तो वहाँ पर हमारी प्रिंसिपल आई उस वक्त, बिस्ट थी, सरस्वती बिस्ट थी, ठीक है नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनकी बहन आई, उन्होंने कहा भारती ये तो मुझे दो, तो तुमने बहुत अच्छा बना रखा है। अच्छा। मैंने कहा दी आप ले जाइए, तो उन्होंने फोटो फ्रेम करके अपने घर पे सजाया। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उनके देखिए मैंने तो उसका महत्वता नहीं समझी, लेकिन उन्होंने समझाई, तो आज तक उनके घर में, अच्छा उनके घर में वो पेंटिंग, हाँ वो शांता दीदी हैं। ठीक है, कहाँ से वो इसको सीख सकते हैं या कैसे इसके प्रति, जैसे कि आपने कहा ना समूह बनाया जा सकता है, तो जिनको किस कुछ भी नहीं इस बारे में पता है उनको क्या आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे आज जो ऐपन सीखेंगी, सबसे पहले तो हमारा गूगल है, मुझे लग रहा गूगल एक बेस्ट है, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो बारीकी है वो किसी गुरु के थ्रू ही होगा। ओके, ठीक है। देखिए हम अपना अगर रोजगार खोल रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हम उनको सुनेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि हमको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, डेली पे और या फिर प्लेट्स पे। अब डेली के अपन के बारे में मैं जानूँ बताती हूँ आपको, डेली के अपन में हम गणेश जी कभी भी इंगित नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम देली पे वो आप सबसे पहले हमारे इष्ट हैं, उनको हम सबसे पहले पूजा कार्य में बुलाते हैं। अब मैं बहुत से लोगों जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गए हैं ऐपण में, ऐपण क्वीन कहा जाता है, तो गणेश जी वो देली में डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो गुरु के थ्रू ही पता चलेंगी, जैसे देव कि जो चिन्ह हैं, इवन पौ के अलावा, लक्ष्मी पौ के अलावा कोई भी देव की कलाकृति ऐपण की नहीं बनती है। संखी ऐपण जो हैं वो मंदिर में ही बनेंगे, क्योंकि संख जो होता है हमारा ऐसा वाद्य है जो हर पूजा में हमारा आह्वान करता है, वाद्य बनते हैं जो हम सुबह हम बजाते हैं, तो वो केवल मंदिर की ही देली में बनेगा, फ्रंट देली पर नहीं बनेगा, क्योंकि पैर पड़ता है संग। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें, और जैसे दिल्ली पे चार लाइन की बाढ़ कहते हैं वो जरूर बनती है, लोग बनाते ही नहीं हैं बिल्कुल, और वसुधारे को बंद नहीं करते हैं, वसुधारे बंद किए जाते हैं। अच्छा। खुले वसुधारे बिल्कुल नहीं रखे जाते हैं, और वसुधारे में कुछ एक कुछ सेंटीमीटर का आपका डिस्टेंस भी होता है। ठीक है। तो बहुत चीज़ें जो तीन अंगुलियों से आपने कहा, तीन अंगुलियों, हाँ जो, हाँ तो उसमें थोड़ा सा गैप भी आना जरूरी है। ठीक है। तो सर ये है, तो किसी से, किसी एक्सपर्ट से ही सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। और प्रोफेशनल आजकल क्या है कि बहुत चीज़ें इसको देख ही नहीं जा रही सर, क्योंकि उनका बढ़िया है, देखिए सफाई चाहिए और लोग ले ले रहे हैं, ठीक है वो अपना कर रहे हैं अपना, अच्छी बात है, मैं किसी को इसमें नाम नहीं दूंगी, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो, और वो भी हमारी इतनी कला संस्कृति, तो अच्छी ढंग से सीखिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बताया है। और थोड़ा सा कुछ आप अपने और आर्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि हम और आगे कैसे इस क्षेत्र में जो है ऐपण के उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं? सर ऐपण के बारे में तो मैं बहुत कहूँगी, यहाँ पर तो समय कम है, हम इसको रोजगार दे सकते हैं। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम से हमारे ऐपण को बहुत प्रोत्साहन मिला है। उनके टाइम में मैं देख रही, मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। और मेरे ख्याल से कि जो हमारी शुरुआत की, जो हमारे जो स्कूल विद्यालय में आपके 5th to 12th एक पीरियड लगा देना चाहिए, हाँ, कि आधे घंटे में बच्चे अपना प्रदर्शन दे सकें, प्रतियोगिता करानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं
वही इस वक्त हमारी धरोहर हैं और हमारी संस्कृति को आगे ले जा सकती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से देखिए हम तो इस वक्त हम ऐसी एज में हम पड़ाव में आगे बढ़ चुके हैं। हम इन बच्चों से उम्मीद करेंगे, देखिए अलग स्टेट में देखिए मंडाला पेंटिंग कितनी आगे बढ़ गई है और महाराष्ट्र की पेंटिंग में जितनी अभी मुझे नाम नहीं आ रहा बहुत सी पेंटिंग के, वो काफ़ी अपना पोल का ये बहुत सी पेंटिंग है जो आगे अपना नाम विश्व स्तर पर रख चुके हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि एप्पल की जो है हमारी जो संस्कृति बहुत आगे बढ़े और इन जो ये जो पेंटिंग्स हैं उनके बराबर हमारा नाम हो। ये तभी हो सकता है जब हमारे इस विद्यालय में इसको इस विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैम आपने यहाँ पे हमको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इसी में हम इस अगले वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने जैसे पिछौड़ा पहना हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो हम उसको अगली वीडियो में लेंगे, हल्का सा फिर भी बता दें आप। हाँ जरूर सर, ये हमारा जो उत्तराखंड का जो ये परिधान है, ये हमारी सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग का प्रतीक भी है और अच्छा सौभाग्य का ये हमारा प्रतीक होता है। और अब तो ये पिछौड़ा मशीनों के थ्रू बनने लग गया है और काफ़ी अच्छे बेल बूटों से मतलब रुझान के लिए मार्केट में आ रहे हैं। और पिछौड़े का भी इतिहास हमारे घरों से चला हुआ है। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी हमारी दादियाँ इसको बनाती थी। अच्छा, इसका भी एक विशेष अवसर होता है, ठीक है, जब शादी ब्याह होता है वर पक्ष और कन्या पक्ष, जब हमारी गणेश पूजा हो जाती है उसके बाद हमारी रंगाली कहते हैं उस वक्त। अच्छा। रंगाली का कार्य होता है तो उसमें पहले तो संध्या समदिन होते हैं, उसके लिए छोटे टुकड़ों में बनता भी है। और एक उस टाइम में, अब तो खैर रेडीमेड आ जा रहा है, तो उस टाइम में वधू के लिए भी घर में बनाते थे। अच्छा। वधू के लिए और कन्या पक्ष की अपने मतलब अपने लिए। तो इसके लिए अब तो खैर बड़ा इजी हो गया है, लेकिन उस टाइम में आपके मलमल का कपड़ा या चिकन का कपड़ा लिया जाता था 2.25 मीटर और उसको हल्के हल्दी के हल्दी के रंग में रंगाया जाता था। और फिर उस फिर जब हल्का सूख जाए, ठीक है, तो हम पहले एक घोल तैयार कर लेते थे, वो था गुलाबी रंग का। अच्छा, ठीक है, गुलनार कहते हैं उसे। अच्छा। उसको पानी या दूध, अच्छा, या बताशे की घोल, अच्छा, बताशे का भी डाला जाता। बताशे क्या होता था, चिपचिपा कर देता था उसको, ठीक है, तो जैसे लिक्विड जैसे हम कभी चीनी को घोलते हैं, तो उसमें हम घोल देते थे। और सिक्का चलता था उस वक्त आपके 54, ठीक है, आप तो देखने को भी नहीं मिलता है, 54 में रख लेते थे और एक और सिक्का रख लेते थे। तो सबसे पहले जब हमने पीला कपड़ा हल्का सुखाया, पूरा नहीं सूखने दिया उसको, तो वहाँ पर हम खोड़ी बनाते थे। खोड़ी यानी स्वस्तिक, उसको द्वार खोड़ी भी कहते हैं। अच्छा। और ये खोड़ी जो होती थी दुहेरी होती थी। अच्छा। दुहेरी होती थी और द्वार खोड़ी हमने बनाई और उसके किनारे हमने चिन्ह इंगित किए। अच्छा। सूर्य, चंद्रमा, घंट और शंख। अच्छा। और फिर और उसके किनारे हमने 6 हिमालय की आकृति के, अच्छा, पहाड़ की आकृति के हमने वो चिन्ह बनाए। हाँ, हाँ, हाँ। और पहाड़ की आकृति हिमालय से मतलब है। और जितना हमारा जो भाग बचा उसको हम 54 के पहले हमने एक नॉट बनाई पीले कपड़े पे और जो उसका जो गोलाई वाला भाग है वो बाहर की ओर रखा, उसमें डुबाया। डुबाकर हमने जो भी स्पेस बचा तो उसमें बूटियाँ डाली। अच्छा। और वो बूटियाँ ऐसी डाली कि फैले ना पाए और एब्जॉर्ब भी कर ले, मतलब पीछे आ जाए, फैले नहीं, और जितना भी खाली जो स्थान रहा उसको हम बूटी द्वारा भर देंगे और किनारे किरण लगा देंगे। अच्छा, ठीक है। अब तो गोटे आ गए हैं, उस वक्त किरण का टाइम था तो उसको किरण लगा के ये पिछौड़ा हमारा तैयार हो गया। अच्छा। परंपराओं के आधार पे जब भी शुभ काम होता है जैसे उपनयन संस्कार, नामकरण, पार्थिव पूजा, हाँ, आदि शुभ कामों में ये
ये पिछौड़ा उड़ा जाता है। और इसका बहुत मान्यता है कि जब हम पिछौड़ा उड़ते हैं तो हमारे सर पे ये चार चीज़ों आती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंट और ये पर्वत के आकार की जो कलाकृति है। इसका मान्यता यह है कि हम जो ये पिछौड़ा ओढ़ रहे हैं हमारी आप रक्षा करें हे सूर्यदेव। अच्छा, चंद्रदेव और हिमालय जो हमेशा टिका हुआ है उसकी तरह हमारा सुहाग भी अटल रहे। अच्छा ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। तो ये पिछौड़ा हमारे संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा। बहुत कम, बिल्कुल बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग, क्योंकि हिमालय, क्योंकि पर्वत जो बने हैं वो हिमालय से रिलेटेड हैं, इस पत्थर यहाँ पर से लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने हमको बताया। हम आगे भी आपसे चाहेंगे, आप भी और वीडियोज में आप आके बताते रहे हमें। धन्यवाद। ठीक है, तो व्यूवर्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह की कोई और भी स्टोरीज आपको पता हो या आप भी उत्तराखंड की संस्कृति को, लोक कला को आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैम आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।